प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात कहते हैं कि भारत अब आत्मनिर्भर हो रहा है, और नए साल में पीएम मोदी की ये बात सही होती दिख रही है। चाहे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, रेलवे नेटवर्क की बात हो, या फिर कच्चे तेल के क्षेत्र में विदेशों से निर्भरता कम करने की बात हो, भारत अब हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। पीएम मोदी ने पिछले 9 साल में देश के विकास की जो नींव रखी है उस पर आत्मनिर्भर भारत खड़ा होता हुआ दिख रहा है। QR कोड डालिए, लोग तभी तो वोट करेंगे। यहां तक कि कच्चे तेल के क्षेत्र में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। भारत के विकास की 2 तस्वीरें देखिए। एक तरफ कृष्णा गोदावरी बेसिन से कच्चे तेल, 26 नए कच्चे तेल के 26 नए कुएं मिले अपने देश में। तेल के कुएं मिल गए बॉस, 26 नए कुएं, जिससे तेल का उत्पादन होगा। और दूसरी तरफ भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल बनकर तैयार हो गया है। यानी एक तरफ भारत तेल का उत्पादन कर रहा है तो दूसरी तरफ तेल बचाया भी जा रहा है। समुद्री सेतु बनने से तेल के साथ समय की भी बचत होगी। कच्चे तेल के क्षेत्र में अब भारत भी एक अहम प्लेयर बनेगा। विदेशों पर निर्भरता कम होगी तो दूसरी तरफ भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु भारत की इंजीनियरिंग कैपेसिटी की शानदार मिसाल है। आपको भारत की इन 2 अहम सफलताओं के बारे में आज विस्तार से बताने वाला हूं। बॉस, कितनी बड़ी खबर है। आप सोचिए, देश में तेल का कुआं निकल आया है। भारत क्रूड ऑयल के लिए अरब देशों, अमेरिका और रूस पर निर्भर है। केजी बेसिन में मिले तेल के नए कुओं से प्रोडक्शन शुरू होने के बाद यह डिपेंडेंसी कुछ कम होगी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको दिखाता हूं भारत की नई शान, अटल सेतु। मतलब तेल का पैसा बचाने की खबर आगे है। पहले तेल बचाने वाला पुल देखिए, और गजब का पुल है। ऐसा पुल देश में बना ही नहीं, यह मुंबई में बनकर तैयार हो चुका है। और 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल सेतु का उद्घाटन करने वाले हैं। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु है, यानी समुद्र में बना देश का सबसे लंबा पुल। इसका पूरा नाम मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक अटल बिहारी वाजपेयी सेतु है। यह पुल भारतीय इंजीनियरिंग का कमाल है। अभी तक आपने चीन और जापान में बने लंबे समुद्री पुल देखे होंगे, लेकिन अटल सेतु बनाकर भारत ने दिखा दिया कि भारत में भी इस तरह के पुल बनाने की क्षमता है। आप देखिए क्या दिख रहा है बॉस, गजब ही लग रहा है, एकदम शानदार अटल सेतु। इस पर गाड़ी चलाने का क्या शानदार अनुभव होगा। आप सोचिए 22 किलोमीटर का पुल है बॉस, चला जा रहा। रात में अटल सेतु सोने की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे समुद्र के बीच किसी ने सोने से लकीर खींच ली। बेहद शानदार और मजबूत यह पुल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की नई मिसाल है। अटल सेतु का प्रधानमंत्री मोदी 12 तारीख को उद्घाटन करेंगे। अटल सेतु की वजह से समय और तेल दोनों की बचत होगी। तेल के उत्पादन में भी भारत की निर्भरता विदेशों से कम होने वाली है, क्योंकि देश में कच्चे तेल के 26 नए कुएं मिले जहां से तेल प्रोडक्शन शुरू हो गया है। बंगाल की खाड़ी में समुद्र के बीच बने कृष्णा गोदावरी बेसिन में समुद्र से 25 किलोमीटर अंदर मिले तेल के कुओं से पहली बार तेल का उत्पादन हुआ है। इसकी जानकारी पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने देते हुए कहा कि कृष्णा गोदावरी की गहराइयों से उभरा ऊर्जा सुरक्षा का विश्वास। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने केजी बेसिन से निकले कच्चे तेल का इमेज भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। यह वही तस्वीर है, एक गिलास में कच्चा तेल भरा हुआ, ये देखिए एक बॉटल में अपने देश का तेल, खुद का तेल। ये देखिए, ये जो बोतल में आप देख रहे हैं ये देश के तेल के कुएं से निकला हुआ तेल, किसी दूसरे देश से आयात किया हुआ तेल नहीं है। ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है। केजी बेसिन से तेल के साथ साथ नेचुरल गैस का भी प्रोडक्शन होगा। अब देखिए कि केजी बेसिन के तेल के नए कुएं से प्रोडक्शन शुरू होने से भारत की तेल और गैस जरूरतों पर कितना सकारात्मक असर पड़ेगा। ONGC जो केजी बेसिन में तेल उत्पादन कर रही है उसके मुताबिक कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल के 26 कुएं मिले, जिसमें से KG-DWN-98/2 ब्लॉक से तेल का उत्पादन शुरू भी हो चुका है। तेल के 26 कुओं में से 4 पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गए हैं। इससे राष्ट्रीय तेल उत्पादन में 7% की बढ़ोतरी हो जाएगी। अभी बस इतना ही मिला है, उतने में 7% तेल बाहर से लेता है, यानी भारत अपनी जरूरत का 13% तेल खुद प्रोड्यूस करता है। भारत में सबसे ज्यादा तेल और गैस का प्रोडक्शन ONGC करता है, जो कुल प्रोडक्शन का 71% है।
ONGC ही KG बेसिन से तेल प्रोडक्शन कर रहा है, जिससे ONGC की क्षमता 11% बढ़ जाएगी। धीरे धीरे सभी 26 कुओं से तेल का उत्पादन शुरू होगा, जिससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम हो जाएगी। दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा गहराई वाला समुद्री प्रोजेक्ट भी भारत में चल रहा है। 2026 तक इस प्रोजेक्ट में भी तेल उत्पादन का काम शुरू हो जाएगा। जब इन सारे प्रोजेक्ट से तेल प्रोडक्शन होने लगेगा तो देश में तेल की कीमतें भी कम हो सकती हैं। भाई एक अनुमान रहता है कि बाहर से तेल मंगाते हैं, उसी में 20-25-30 रुपया चला जाता है।